पाकिस्तान की टीम वनडे रैंकिंग में नंबर वन बन चुकी है। जी हाँ, जैसे ही पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को वनडे सीरीज में 3-0 से हराया, उसके बाद पाकिस्तान की टीम वनडे रैंकिंग में नंबर वन पर पहुंच गई। हालांकि उनकी जो रेटिंग है वह ऑस्ट्रेलिया के बराबर ही है, लेकिन उनके जो अंक है वह ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा होने के कारण वह नंबर वन पर पहुंच चुकी है। उनके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है और तीसरे नंबर पर भारत की टीम है। यानी कि अब जब एशिया कप की शुरुआत होगी तो उसमें पाकिस्तान की टीम बतौर नंबर वन टीम के तौर पर एशिया कप में शिरकत करेगी। पाकिस्तान की टीम का सफर यह कैसा रहा, कैसे वह टीम नंबर वन पर पहुंची, आज हम इस पर बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान की टीम ओडीआई में नंबर वन पर पहुंची है। 2019 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के वनडे के प्रदर्शन को देखिए तो उसने 8 टीमों को हराया है। इस दौरान सिर्फ इंग्लैंड की टीम से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों में उसे हार मिली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पिछले 4 साल में वनडे के 8 मुकाबले हुए हैं। पाकिस्तान ने 5 तो पीवी टीम को 3 मैचों में जीत मिली है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ भी जीत दर्ज की है। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 वनडे में जीत मिली जबकि 1 में हार। टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 2 मैचों में जीते हैं जबकि 1 में हार मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3, नीदरलैंड के खिलाफ 3, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैच, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का 1 मैच टाई भी रहा। यानी कि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने 31 वनडे खेले जिसमें 22 में से उसे जीत मिली जबकि 8 में हार का सामना करना पड़ा और 1 मैच टाई रहा। पाकिस्तान को नंबर वन बनाने में अहम भूमिका कप्तान बाबर आजम की रही। कप्तान बाबर आजम ने जहां पर कप्तानी से शानदार प्रदर्शन किया वहीं बल्ले से भी वह छाए रहे। पिछले 4 साल में पाकिस्तान की ओर से वनडे में सबसे अधिक रन बाबर आजम ने ही बनाए हैं। बाबर आजम ने 31 पारियों में 69 की औसत से 1,999 रन बनाए, यानी वे 2,000 रन से सिर्फ 11 रन दूर हैं। इस दौरान कप्तान बाबर ने 8 शतक और 13 अर्धशतक भी लगाए हैं। इस दौरान फखर जमा 1,379 रन के साथ दूसरे तो इमाम हुलक 1,192 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जहां बल्ले से बाबर आजम ने अपना दम दिखाया तो वहीं गेंदबाजी में हारिस रौफ ने अपना कहर बरपाया। पिछले वर्ल्ड कप के बाद से गेंदबाजों के रिकॉर्ड को देखें तो पाकिस्तान की ओर से तेज गेंदबाज हारिस रौफ ने सबसे अधिक विकेट लिए हैं। रौफ ने 24 वनडे में 44 विकेट छटकी और वहीं तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने 20 मैचों में 36 तो 20 साल के युवा गेंदबाज नसीम शाह ने 10 मैचों में 25 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान की टीम के नंबर वन बनने का क्या कारण मानते हैं आप, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।